दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा माई इलेवन सर्कल में आप अपना विड्रॉल कैसे लगा सकते हो, ये जानूंगा आप इस वीडियो में, और विड्रॉल कैसे लगाते हैं और ये कब तक आ जाता है और कैसे क्या आता है, तो यही जानने वाला हो आप इस वीडियो में। इसकी क्या प्रोसेस है, इससे रिलेटेड आपको इसी वीडियो में मिलने वाली जानकारी, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको कुछ विनिंग कर लेना है या फिर कोई रेफर कर लेना है। रेफर करने के बाद जो भी आपका अमाउंट रहेगा आपको यहाँ पर शो करेगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, सिंपल या तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ थ्री लाइन है, मोर पर जाके आप यहाँ पे जा सकते हो। तो मैं सिंपल उसी पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करता हूँ। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो विड्रॉल का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी यहाँ पर जा सकते हो। रिक्वेस्ट विड्रॉल पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों ऐसा इंटरफेस नया ओपन होगा जिसमें आपको पूरा अमाउंट बताएगा। जो विनिंग अमाउंट है दोस्तों वही आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले यहाँ से बैक हो जाता हूँ और मैं डायरेक्ट पहले ऊपर जाके आपको बताया। तो यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ देख सकते हो आपका जो विनिंग बैलेंस दिखा रहा है, यही आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो यहाँ पे विड्रॉल पर क्लिक करके। और विड्रॉल करने के पहले आपको कुछ डिटेल अपनी पर्सनल डालना पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, आप डाल देना, आपको पैसे अच्छे से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ देखोगे तो ये है, आप डायरेक्ट आप चाहो तो यहाँ से विड्रॉल लगा सकते हो, नहीं तो मैंने आपको बताया थ्री लाइन पे क्लिक करके वहाँ से करते हो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, जल्दी काम हो जाता है। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करके रिक्वेस्ट विड्रॉल पर क्लिक करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब रिक्वेस्ट विड्रॉल पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा विनिंग बैलेंस दिखा रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी देख सकते हो, तो 4395 रुपये विनिंग है ना, और यहाँ पर देख सकते हो इंस्टेंट विड्रॉल, ठीक है, और यहाँ पर स्पेशल। तो आप यहाँ पे क्या करना है, आप अपने UPI के द्वारा पेमेंट ले सकते हो, नहीं तो फिर बैंक अकाउंट के द्वारा ले सकते हो। तो मेरी मानो तो आप UPI के द्वारा ही ले लेना और यहाँ पे अपने इंटर UPI भी ऐड कर देना, ठीक है। तो मैंने दो ऐड कर रखी है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप। तो सिंपल क्या करना है, मेरे को यहाँ पे अमाउंट डालना है, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, जो भी मेरा विड्रॉल मेरे को लगाना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। 500 का मैंने विड्रॉल पे अमाउंट डाला है और उसके बाद मैं यहाँ पे UPI सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ UPI पे सिलेक्ट किया, उसके बाद में मैं यहाँ पे विड्रॉल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं अगर 3500 का विड्रॉल लगा रहा हूँ तो मेरे को आएगा 2450 रुपये मेरे अकाउंट में, और ये जो गवर्नमेंट का TDS है ये कट रहा है 1050 का, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, ये जो TDS है ये क्या है, 30% कटता है डायरेक्ट कोई भी विनिंग, ये जो कॉन्टेस्ट रहते हैं क्रिकेट से रिलेटेड या कोई भी गेमिंग जो भी एप्लीकेशन रहती है तो उससे रिलेटेड 30% TDS कटता है। और आप इसको भी ले सकते हो अगर कागज़ कार्रवाई आपकी पूरी है, वो मतलब आपको जो रिटर्न है आप मतलब टैक्स के अंदर आते हो तो आप इसको लगा के भी ले सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रोसेस एक वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इसको भी ले सकते हो बाद में, फिलहाल अभी आपको यहाँ डायरेक्ट ये काट के देते हैं। तो मैंने विड्रॉल पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंफर्म करने के लिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो कंफर्मेशन आ रही है, आपको अपना नाम और अपनी UPI ID देख लेना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे विड्रॉल पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते से रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिक्वेस्ट अंडर चेकिंग यहाँ पे बता रहा है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक जल्दी से रिक्वेस्ट यहाँ बैंक में हो जाती है और यहाँ पे विड्रॉल हैंड टू हैंड भी हो जाता है, इंस्टेंट मतलब विड्रॉल हो जाता है, नहीं तो फिर यहाँ पे बता देता है एक्सपेक्टेड मतलब 5 तारीख तक आपका अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अभी जैसे ज़्यादा समय ज़्यादा सीजन चलते हैं, जैसे कि IPL हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, कोई सा भी, तो उस टाइम थोड़ा सा डिले हो जाता है आगे पीछे पेमेंट, थोड़ा सा मतलब जैसे कि टाइम दे रखा तो टाइम के हिसाब से डालते हैं, बाकी इंस्टेंट पेमेंट भी ये पे दे देता है, ठीक है। मैंने कई बार लिया है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छा खासा नॉलेज है मेरे को इसके बारे में। अब ये हो गया हमारा, 5 तारीख तक हमारा अकाउंट में अपना बैलेंस आ जाएगा, मतलब हमारा पैसे आ जाएगा। और जब भी आ जाएगा तो विड्रॉल हिस्ट्री पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा हुआ भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बताएगा, यहाँ पे देख सकते हो अब ये फेल हुए हुए हैं, तो ये कुछ फेल हुए तो वापस से आपको क्या करते ना लगा देना। और अगर आप कंटिन्यू मतलब आप रिक्वेस्ट आपके फेल होते जा रही है तो आपको क्या करना है, मैच उन भी खेलना, अगर आप मैच नहीं खेलते रहोगे छोटा मोटा तो कभी कभी क्या होता है रिक्वेस्ट भी फेल हो जाती है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेमेंट पर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको विड्रॉल लगाना। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।